हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन यार एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वारी, ट्रैफिक मान सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्वारी आ रही थी भैया कि एमबीए में एडमिशन मिल जाए, एमबीए में चाहिए, सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। लेकिन भाई अब एडमिशन अगर तुमको चाहिए तो दिलाना भी पड़ेगा, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें एडमिशन दिलाएं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, स्पॉट एडमिशन। तो सबसे पहले आपको इसके लिए यार एमबीएम की जो कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जिसे एमबीएम एफिलेटेड है, ठीक है, जय नारायण व्यास इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है यार। वेबसाइट थोड़ा स्पेशली ध्यान से देखें, एक वेबसाइट jnvu.edu.in है, एक jnvu.co.in है, ठीक है। तो आप इस पे आए jnvu.co.in, जैसे आप यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे दो नोटिस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग का। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है, जैसे किसी बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है और उसका इंटरेस्ट है, उसके अच्छे मार्क्स है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि उसे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर अप्लाई कर सकता है। ओके, और अपन बात करते हैं स्पेशल राउंड की, ठीक है। तो स्पेशल राउंड में यार जो बच्चे आउट ऑफ राजस्थान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, घबराए नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है रिगार्डिंग एडमिशन के, वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हीं बच्चों से चार्ज लेते हैं जिनका हम एडमिशन करवा पाते हैं, जिनका एडमिशन हम नहीं करवा पाते उनको पूरा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। तो जिसका एडमिशन होगा उसी के ही पैसे लगेंगे, तो यार जिसको एडमिशन चाहिए वो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर जो मैं एडमिशन बता रहा हूँ उसको भी फॉलो कर सकता है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हम गारंटेड एडमिशन दिलाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्वारी करेंगे, भैया आपके आप तो स्कैम कर रहे हो, आप पैसे लेकर एडमिशन दिला रहे हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करते हैं, करते नहीं करते हैं, चेक करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। आपको कुछ कभी कुछ नोटिस छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, फॉर्म के अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो इन सब क्राइसिस से बचने के लिए और कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट पेमेंट करना होता है, और आपको हम एक गारंटेड सीट मान सकते हो, ठीक है, पैसों की गारंटी वैसे, ठीक है, एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन हाँ मतलब सम चार्ज अमाउंट फॉर मी। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ये नोटिस आ चुका है, ठीक है, तो नोटिस को पढ़ लेते हैं। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज स्पॉट राउंड डायरेक्ट एडमिशन नोटिस, तो यार वेबसाइट पे भी बहुत सारे इश्यू चल रहा है, तो आप जस्ट थोड़ा ध्यान से फिल करें पेमेंट वगैरह जो भी अगर आप करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी, तो यार यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर स्पेशल राउंड, ठीक है, इसको स्पॉट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन आप मान सकते हो। इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है, ठीक है, सभी बच्चे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दें, और जिनको गारंटेड एडमिशन प्लान लेना है वो नीचे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। आपके जो भी मेल आईडी मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन जो भी डाला जाएगा सेंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे जो आपको एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद अपनी जो डिग्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो बच्चे फॉर्म को ठीक से फिल नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो जस्ट अपन सेलेक्ट करते हैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो यार जिन बच्चों ने जो भी अपनी एजुकेशन डिटेल वगैरह ठीक से फिल नहीं की है तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने बिल्कुल ठीक से फिल नहीं किया, फोटोज वगैरह अपलोड नहीं किए, बिल्कुल सारा का सारा खाली पड़ा है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि जस्ट तो भी मेरे पास ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे किसी भी कॉलेज की जो ब्रांचेज वगैरह हैं। ओके, तो जस्ट आप जीरो से फिल करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक से फिल होगा, ठीक है। तो आप आज का था ये वीडियो एमबीएम स्पॉट एडमिशन, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास एडमिशन का, ठीक है। और जस्ट स्पेशली कोई सीट होती नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्वारी करते हैं कि कुछ ले दे के करवा दो, तो वो वाला सीन अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ऐसा प्राइवेट वगैरह के साथ कर सकते हैं, वैसे भी वो फीस वगैरह खूब लेते हैं, तो ऐसा कोई चांसेस बनता नहीं है, नॉर्मल फीस है, खूब पढ़ाई करें, ठीक है स्टूडेंट, और सक्सेस हो अपनी लाइफ में, इंजीनियर बनो, ठीक है, और देश को संभालो, आईएएस वाईएएस बनो और पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक वीडियो अपन बना देते हैं सीटीई के ऊपर, ठीक है, और एक आरटीयू के ऊपर बना देते हैं, तीन ही कॉलेज हैं जो कि कुछ लायक है इंजीनियरिंग के, और कोई मतलब और कोई लेना देना नहीं है जितने भी कॉलेजेस हैं राजस्थान के अंदर।
कुछ गवर्नमेंट के और कुछ प्राइवेट भी है, जैसे JICRC है, पूर्णिमा है, जयपुर के अंदर दो तीन कॉलेजेस हैं, ओके, और MNIT जयपुर है, और IIIT कोटा है, ओके, और IIT जोधपुर है, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको अपन ठीक मान सकते हैं। CTU उदयपुर है, और तो मतलब जीरो है, ठीक है। तो इससे अच्छा कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड लक।